देखिए, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसी को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये फोटो सिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। ठीक है, एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये आपके राइस के फील्ड के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और राइस के फील्ड में जो नाइट्रोजन फिक्स करने की जो एबिलिटी है किसकी, ब्लू ग्रीन एल्गी की, वो पी के दे साइंटिस्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था 1939 में। और ये चीज याद रखना कि हमारा जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये वेटलैंड फील्ड के अंदर नाइट्रोजन जो फिक्स करता है, यानी कि राइस वेटलैंड के अंदर आपका 25 से लेके 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है वो पर हेक्टेयर आपका यहाँ पर एस्टेब्लिश करने का काम करेगा। और इसकी वजह से हमारी जो नाइट्रोजन की डोज है वो आपकी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है फील्ड में। और ये केवल और केवल नाइट्रोजन फिक्स ही नहीं करेगा, इसके अलावा ये फील्ड में आपका IAA, चिबरलिन और बाकी जो पॉलीसेक्राइड्स है उनको भी अवेलेबल करवाने का काम करेगा। और इन पॉलीसेक्राइड्स की वजह से क्या होता है कि जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है वो भी इंप्रूव होता है, और जिसकी वजह से एग्रीगेशन प्रॉपर सॉइल में बनेगा, और जो कि आपके सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। इसीलिए ब्लू ग्रीन एल्गी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि ये सॉइल के स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, कैसे इम्प्रूव करेगा, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड्स जो है वहां पर आपका डेवलप करेगा, तो जिसकी वजह से आपके सॉइल के स्ट्रक्चर में एग्रीगेशन बनेगा और वो आपका इम्प्रूव होगा। उसके बाद में है कि ये जो आपका फील्ड के अंदर अप्लाई हम लोग करते हैं, तो राइस के फील्ड में एजोला के साथ में भी इसको एप्लीकेशन किया जाता है, क्योंकि एजोला एक क्या है, फर्न है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में उसमें हेल्प करती है। और यहाँ पर ये भी याद रखना कि हमारा जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसके लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम की रिक्वायरमेंट होती है 32-35 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए जो आपका पीएच रिक्वायरमेंट होता है वो आपका रहता है 6.5 से अबव, अप्रोक्सीमेटली 7-10 pH जो है वो इसके लिए ऑप्टिमम होता है। तो यहां पर हमें क्या बात समझ में आई कि जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एक फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, पी के दे के द्वारा 1939 के अंदर इसकी जो है इंपॉर्टेंस राइस के फील्ड में ऑब्जर्व की गई थी, 25-30 किलोग्राम नाइट्रोजन ये पर हेक्टेयर के अंदर आपका एस्टेब्लिश करेगा। उसके अलावा नाइट्रोजन की डोज को भी राइस के फील्ड में रिड्यूस करेगा, और ये नाइट्रोजन जो फिक्स करता है तो उसके अलावा ये आपका फील्ड के अंदर कुछ हॉर्मोन्स और आपके बाकी जो केमिकल्स हैं उनको भी अवेलेबल करवाने का काम करेगा, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर सॉइल का स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा, और आपके एजोला के साथ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो इसमें आपका हेल्प मिलेगी। और हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गिया की आपकी मोर देन 100 स्पीसीज ऑब्जर्व है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, लेकिन याद रखना इसमें से नॉस्टॉक और आप जो एनोवेना के बारे में सुना होगा ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जिनके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है या जिनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। समझ में आया, दैट्स इट, है ना।